जा रहे हैं हमारी बजरंगी में टॉप बॉक्स लगाने के लिए। अरे मेरे अखरोट डांस कर रहे हैं सब पे, तो इस पे ये प्लेट आके लगेगा वो प्लेट के ऊपर, फिर उसके ऊपर पिज्जा बॉक्स। ये रही अपनी बजरंगी, चलाएंगे विनय भाई और हम चलाएंगे हिमालयन। अरे बाप रे, बहुत छोटा है यार, बहुत नीचे बैठा हूँ मैं कसम से। पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, मिरर सेट कर लेना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबने देखा होगा पिछले व्लॉग में, हम आए थे संडे मॉर्निंग राइड के लिए और हमने राइड की मस्त, अच्छी खासी राइड की हिमालयन। और यशजी का थोड़ा मजाक उड़ाया, हम दोनों ने अपने आपस अपनी अपनी गाड़ियों का मजाक उड़ाया। व्लॉग नहीं देखा तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। हिमालयन तो बहुत छोटी यार, बहुत ही ज्यादा छोटी है एचडी के सामने। तो अब हम लोग यहाँ से निकले, हम जा रहे हैं हमारी बजरंगी में टॉप बॉक्स लगाने के लिए। कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो आपको तो पता है कि अपनी भाई लंबी एक राइड होने वाली है, उसके लिए एक सोच रहा टॉप बॉक्स ले लूँ, पीछे बैग वगैरह बांधने का टेंशन ही नहीं। ओहो, जस्ट 80 क्रॉस एंड वाइब्रोसोनिक ऑन, वाइब्रेशन पता चल रहा है सीधा सीधा फुट पैक पे, टैंक पे, हैंडल पे। बट सीटिंग पोस्चर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ना एचडी में नी ज़्यादा बेंड होता है, इसमें नी इतना ज़्यादा बेंड नहीं होता है। पहली बार अपनी एचडी कोई और चला रहा है, पापा जिस दिन डिलीवरी लिए थे उस दिन पापा ने चलाया था, दीपक भाई ने एक छोटा राउंड मारा था। हाईवे पे प्रॉपर लगता, पहली बार भी नहीं चला रहा मेरी बाइक। तो खुद की बाइक देखने में क्या प्यारी लग रही है यार कसम से। अब समझ में आ रहा है कि भाई लोग पलट पलट के क्यों देखते थे मेरे को, एक नंबर। ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली हम लोग 10-15 किलोमीटर के लिए एक्सचेंज किए बाइक। तो विनय से पूछेंगे क्या फील हुआ उसको हिमालयन के अलावा बाद में वो चलाने पे क्या फील हो रहा है। अरे मेरे अखरोट डांस कर रहे हैं सब पे, तो इस पे जल्दी भगा के खुश हो जा रहे हैं एकदम। क्या हुआ, कैसा लगा? मेरे अखरोट अभी तक हिल रहे हैं भाई, सौ पे गया था, ऐसे तो कांप रहे थे। हाँ मतलब एक अभी मैं अंजलि को लेके गया था तो कंटिन्यू 15-20 120 के बीच में हम लोग डबल सीट चल रहे हैं। अरे भाई 100 के ऊपर सच में अभी तक महसूस हो रहा है इधर, हाँ ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो भाई लोग फुटेज आपने देखा ना, वो मैंने सुपर वाइड एंगल पे सुपर व्यू पे मैंने डालना भूल गया था, इसलिए थोड़ा फुटेज ऐसा नीचे दिख रहा था। चलो कोई नहीं, तो ये देखो ये जो हिमालयन पे आगे जो टॉप बॉक्स लगा है 55 लीटर का है, ये टॉप बॉक्स अपने पीछे लगने वाला है। चलो देखते हैं अपने बाइक पे लगा के। यार हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर आए थे हम लोग टूवर्ड्स रुस्तम जी, सिर्फ है टॉप बॉक्स लेने के लिए। टाइम हो रहा है 12:10, इतना मोटा जैकेट पहन के बकवास ट्रैफिक, विरार के बकवास ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। अंदर पसीने से नहा चुका हूँ पूरा, विरार में ना पीने के पानी का लगता है बहुत लफड़ा है, क्योंकि इतने टैंकर वाले दिख रहे हैं ना, जितनी तो गाड़ियाँ कारें नहीं दिख रही उतने उसके दुगने तो टैंकर ही दिख रही है मुझे। यार ट्रकों का हड़ताल हो जाएगा तो बस पर वीरा पाए तो नहाना धोना छोड़ देंगे, नहाना बीच जाना पड़ेगा। फाइनली हाईवे पे तो आए भाई, ऐसा लगा ना जाने कितने हजार करोड़ साल से हम लोग उसी रोड पे चल रहे हैं। खैर ट्रैफिक जो था, पर बहुत दिनों बाद में जीवदानी देवी का दर्शन हो गया मेरा। रॉकेट रॉकेट, तो डेक वाले को पता नहीं क्या नाटक है, कट मार के जा रहा है बार बार। साले अब गियर वियर पहन के कैमरा लगा के देख लेते ना तो अपने आप को 30 मार खान समझने लगते हैं लोग। नहीं भाई ये मस्त एकदम प्रोफेशनल राइडर रहेगा, मैं इसको कट मार के जाऊंगा, इसको हराऊंगा तो मेरे को चरम सुख मिल जाएगा। ले भाई मिल गया चरम सुख, फालतू का भाई शांति से आदमी जा रहा है। पर नहीं, सलमान खान का डायलॉग याद आ गया, सोते हुए शेर को उंगली मत कर वरना चीर फाड़ कर देगा। पता नहीं कहाँ गया अभी ऑडियो वाला, अब क्यों आएगा तो कान के नीचे ही मारूंगा कट मारेगा तो। ली भाई हाँ इधर है, सबसे पहले बैक रेस्ट निकलेगा, फिर ये प्लेट आके लगेगा वो प्लेट के ऊपर, फिर उसके ऊपर पिज्जा बॉक्स। भाई पिज्जा बॉक्स ना।
तो भाई लग गए अपना टॉप बॉक्स और भाई जा रहे हैं राइड पे ट्रायल करने के लिए। जाओ भाई ट्रायल मार के हो। पिज़्ज़ा वाले भैया है, पिज़्ज़ा वाले सर सर पिज़्ज़ा 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 आपका पिज़्ज़ा। आप तो घर ही जा रहा, मैं चलाऊंगा क्या? ओके सो चलाने में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है पीछे भी कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग हुई है। तो हाई स्पीड पे जाएंगे तब पता चलेगा आगे बबल हो रहा है कि नहीं, और अभी फिलहाल टॉप बॉक्स में वेट भी तो नहीं है, सिर्फ मेरा विंटर लाइनर है और जो बैकरेस का सीट जो निकला था वो डाल दिया इसमें। सो आज से हम भी पिज़्ज़ा बॉय। मैंने विनय का ही लगा लिया, उसके हिमालयन का, उसका 55 लीटर का है और उसे बेचना है क्योंकि उसे 45 लीटर लेना है। 55 लीटर क्या हो रहा है, उसने जो पैनियर्स लिया है ना तो ये इतना बड़ा है कि पैनियर्स का ढक्कन फिर ओपन नहीं होता, इसलिए उसे बेचना गए तो हम ले लेंगे। अगर अपना जो राइड होने वाली, अपनी जो लंबी राइड होने वाली है उसमें सक्सेसफुल अपना रहा, अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो विनय से मैं ले लूँगा ये। तो भैया निकले हैं हम राइड पे, मुंबई से काफ़ी दूर की राइड है, फिर टॉप बॉक्स का टेस्ट हो चुका है, वेरीफाइड है, अब ये टॉप बॉक्स अपने पास रहेगा, अपने पास राइड पे काम करेगा। भाई को पैसा ट्रांसफ़र करना है खाली, अब ये टॉप बॉक्स अपने को जम गए, हिलता है तो उसका भी जुगाड़ हमने कर रखा है, ये कॉर्ड वगैरह बांध के रखा है। बाकी टॉप बॉक्स के साथ में गाड़ी कितना यूज दिख रहा है देखो, तो इसका टेस्ट खाली करना बाकी था, अभी वेरीफाइड है। और जो मुंबई से हम लोग आगे की राइड कर रहे हैं उसका वीडियो जल्दी आएगा, वो तो नेक्स्ट वीडियो आपको पता चलेगा, इसका वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वैसे जो राइड हो रही है लंबी वाली वो देखो, साथ में हिमालयन भी है अपने, फुल्ली लोडेड। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, मजेदार वीडियो होने वाला है, थोड़ा सस्पेंस सब बताता हूँ। भाई महादेव के इधर जा रहे हैं, बस अब आप गेस कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद जय भारत। कसारा घाट पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, सोचो कहाँ स्टार्ट किया था और कहाँ एंड कर रहा हूँ। चलो बाय।